तो हेलो गाइस, फिर से आप सबको स्वागत है हमारी यूट्यूब की ब्लॉग पर। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम टाइप का काम करते हैं और आज फिर से आ गए साइड पे। देखिए फर्नीचर का काम हो रहा है, बॉक्स बना हुआ है सामान रखने के लिए। तो ये रहा बाथरूम, कुछ दिन लगा रहे थे, वीडियो नहीं किए थे इसका, तो बनाए थे वीडियो। और देखिए कितने सारे फर्नीचर ला करके रखे हुए हैं, यहाँ का जो मालिक है वो काम करवा रहे हैं। टोटल इंटीरियर का काम हो रहा है भाई, देख सकते हैं। वहाँ भी बॉक्स एक तो बना हुआ है और देखिए इधर भी काम हो रहा है। वो फर्नीचर का भाई, फर्नीचर मिस्त्री है, यहाँ फर्नीचर का काम करते हैं। और ये रूम में फर्नीचर का बॉक्स वगैरह बना हुआ है और यहाँ भी फर्नीचर का काम, टाइल्स का काम हो गया है, टाइल्स का कुछ कुछ काम बचा हुआ है। ये रहा खिड़की, खिड़की में ग्रेनाइट लगा हुआ है, रेडिंग लगा हुआ है। देखिए और ये रहा फर्नीचर बोर्ड बना हुआ है, कितना है भी देखे। यहाँ बेड बनेगा, अभी बना नहीं है, यहाँ पे बेड बनेगा। उसके बाद में और भी मैं दिखा रहा हूँ, अभी बहुत सारा यहाँ काम बिखरा पड़ा हुआ है, सामान बिखरा पड़ा हुआ, बहुत सारा काम बचा हुआ है। देखिए कैसे सामान सारा बिखरा पड़ा हुआ है, काम होगा तो सामान बिखरेगा ही भाई, इसमें कोई शक नहीं है। काम होने के बाद में ये जो दिखता है ना भाई, जब साफ सफाई हो जाता है उसके बाद इतना हैवी दिखता है कि बात नहीं कर सकते उसका। देखिए यहाँ भी टैक्स लगाए हुए दीवार में, 3264 का है भाई, 32 इंच बाई 64 इंच का टाइल्स है। देखिए एक टाइल्स यहाँ से पूरा यहाँ तक आया हुआ है। ये देखिए सिलाब बना हुआ है सामान रखने के लिए। और भी मैं दिखा रहा हूँ अभी, ये किचन है, किचन का सिलाब अभी लगा नहीं हुआ, लगा नहीं है। देखिए किचन का सिलाब लगाना बाकी है, टाइल्स लगाना बाकी है। चिपिंग मार के रखे हुए हैं क्योंकि पुट्टी में टाइल्स नहीं पकड़ता है, तो पुट्टी में चिपिंग मारना पड़ता है, तो चिपिंग मारा हुआ है। देखिए ये सब पट्टी उट्टी ला करके रखे हुए हैं काम करने के लिए। इसका खिड़की में भी ग्रेनाइट लगा हुआ है भाई। और इधर हो रहा है फर्नीचर का काम, तो चलो फर्नीचर का काम दिखाते हैं आप लोगों को। ये रूम भी देख लीजिए, वहाँ उतना प्लाई बोर्ड था, यहाँ पे इतना प्लाई बोर्ड है, फिर यहाँ पे इतना प्लाई बोर्ड है, देख रहे हैं लोग। और एक हम गरीबी में छाए हुए हैं टाइल्स का काम कर करके। टाइल्स का काम भी कुछ ख़राब नहीं भाई, पर उतना भी अच्छा नहीं जितना होना चाहिए। जो जो नहीं करता है भाई, उन लोगों को तो करने के लिए राय बिल्कुल भी नहीं दूंगा कि टाइल्स का काम सीखो भाई, क्योंकि दिन भर गंदा ही रहना पड़ता है, कभी साफ़ सुथरा नहीं रह पाओगे। सुबह आते हैं, ब्लॉग बना लेते हैं, वीडियो बना लेते हैं, ब्लॉग कर लेते हैं, उसके बाद में बोलिए देखने का लायक रहता है भाई। ऐसे हो जाता हूँ ना कि बाहर निकलने का भी मन नहीं करता है। ज़रा थूक लूँ मैं, थूक आ गया मैं, अब थूक लिया बालकनी में जा कर के रास्ते में। देखिए यहाँ पे काम हो रहा है, देखिए यहाँ फर्नीचर का काम चल रहा है भाई। देखिए जैसे कि वो गेट रिपेयरिंग कर रहे, रिपेयरिंग मतलब नहीं बना रहे हैं वो, भैया फर्नीचर का काम करते हैं। हाय कर दीजिए भैया, हाय कर दीजिए, फर्नीचर का काम करते हैं ये। फर्नीचर का काम करवाना हो भाई तो कांटेक्ट कर लेना। यूट्यूब की वीडियो में तो मैंने नंबर अपना बता ही दिया है। यहाँ भी देखिए कितना प्लाई बोर्ड रखा हुआ है। नहीं ये सब गेट है, गेट जो बना के रखे हैं प्लाई का वो सब है। और ये भैया देखिए अपना सामान पेज करने पे लगे हुए हैं। हाय कर दीजिए भैया, हाय कर दीजिए, काहे परेशान कर रहा है जी सुबह सुबह। हाय कर दीजिए, यूट्यूब में छोड़ देंगे। देखिए अपना सामान तेज कर रहे हैं, अभी सामान इसका जो है सो तेज होगा, उसके बाद ये भी काम करेंगे। ये भैया बोल रहे हैं कि काहे परेशान कर रहे हो सुबह सुबह, इनको शायद शर्म लग रहा हो आए करने में, अच्छा नहीं लग रहा हो। चलो कोई बात नहीं, होती है ऐसा ऐसा।
कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है, पहले हमें भी अच्छा नहीं लगता था फ़ोटो खिंचाना वीडियो करना कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, पर अब आदत ही पड़ गई, जब तक नहीं करता हूँ तब तक मन ही नहीं लगता है। दिन भर में एक वीडियो बनाता हूँ तो ही अच्छा लगता है, नहीं तो अधूरा पंसा लगता है, लगता है कि कहाँ फंस गए, दिन भर केवल टैरिफ का काम करते रहते हैं। पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद हेवी दिखेगा भाई, देखो ऊपर का काम फर्नीचर का हुआ, वो सीलिंग में बनाया हुआ है, टोटल चीज़ फर्नीचर से होगा भाई, कहीं दीवार नहीं दिखेगा। हमको तो ऐसा लगता है इतना प्लाई बोर्ड यहाँ पे गिर गया है ना भाई, लेकिन लगता नहीं है कि कहीं दीवार दिखेगा, पूरा का पूरा फर्नीचर से ही ढक देगा, प्लाई बोर्ड से पूरा दीवार ढक जाएगा लगता है, केवल टायर्स और प्लाई बोर्ड दिखेगा यहाँ। और सनमय का काम भी बहुत अच्छा होता है भाई हम लोग के यहाँ, तो काम भी करवाना हो तो कॉन्टेक्ट कर लीजिए 9523084138 पे, प्लाई हो, फर्नीचर का काम हो, टाइल्स का काम हो, प्लम्बर का काम हो, या फिर सीढ़ी का स्टील वाला जो रेलिंग लगता है वो भी, उसका भी मिस्त्री हम लोग के पास उपलब्ध है भाई। तो जिन जिन को काम करवाना है तो वो लोग काम के लिए संपर्क कर सकते हैं। वीडियो देखिए भाई, और ऐसी ऐसी वीडियो आप लोगों के बीच जाती रहेगी।